अल्लाह हेलो एवरी वन कैसे हैं आप सब आई होप सब लुक फ़िट एंड फाइन होंगी वेलकम बैक टू माई चैनल ब्यूटी प्लस स्टाइलिंग आज की जो मेरी वीडियो है वो है हेयर थ्रेडनिंग टूल पे इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन दूँगी कि कैसे आपने इसको यूज़ करना है कहाँ से आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं और इसको परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सब डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे ये थ्रेडिंग टूल उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कि थ्रेडिंग खुद करना चाहते हैं लेकिन वो सिंपल थ्रेड है उससे वो थ्रेडिंग नहीं कर पाते या फिर उनको करनी नहीं आती उनके लिए ये बेस्ट है चलिए अब हम इसका जो पैकेजिंग है वो ओपन करते हैं इसका पैकेज ओपन करें तो इस तरह से हमको डिवाइस मिलती है उसके साथ साथ हमें थ्रेड्स मिलते हैं थ्रेड्स जो होते हैं वो टेन टू फिफ्टीन थ्रेड्स मिलते हैं हमको इसके जो थ्रेड्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं मैक्सिमम आप दो बार यूज़ कर सकते हैं इससे ज़्यादा आप लोग यूज़ नहीं कर सकते एक थ्रेड को क्योंकि इसके जो थ्रेड है बहुत ज़्यादा वीक होते हैं तो आपके जो टेन थ्रेड्स हैं वो कम दिन में यूज़ होते हैं इसके जो थ्रेड्स हैं हम लोग खुद से भी रेडी कर सकते हैं वो कैसे रेडी कर सकते हैं वो मैं आपको अलग वीडियो में ज़रूर बताऊँगी अब चलते हैं हम लोग जो थ्रेडिंग डिवाइस है उसकी तरफ तो जो थ्रेडिंग डिवाइस है उसका मटेरियल काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और इस तरह से इसमें थ्रेड लगा हुआ है आपने इस तरह से आपने इसको ओपन करना है और इस तरह आप लोग इसको यूज़ करेंगे एंड वन थिंग अबाउट दिस डिवाइस कि आप लोग इसको आईब्रोज़ बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते आईब्रोज़ इससे बन ही नहीं सकते बहुत मुश्किल से अगर बन भी जाएंगे तो आपको जो कट लगने का खतरा होगा उसके अलावा आपकी जो स्किन है इससे वो डैमेज हो सकती है तो इस तरह से इसमें जो थ्रेड्स हैं वो दिए हुए हैं टेन थ्रेड्स होते हैं इसमें टेन या फिफ्टीन होते हैं जो कि आप लोगों को यूज़ करने होते हैं तो ये आपके टेन टाइम आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर कुछ थ्रेड्स हैं जो आप लोग डिपेंड करता है आपके हेयर्स पे कि वो किस तरह के हैं आपकी थिन हैं या है उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो थ्रेड है मैक्सिमम टू या थ्री बार आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते इसके साथ साथ जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है वो भी दिया हुआ है उसमें भी पूरी डिटेल्स हैं इसकी दी हुई हैं कि आपने यूज़ कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं थ्रेड को आप लोग कैसे इसमें आ, सेट कर सकते हैं उसके साथ साथ कहाँ कहाँ आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं चेक करें यहाँ भी दिया हुआ है कि आप इसको आईब्रोज़ पर यूज़ नहीं कर सकते जिन लोगों को वीडियो में समझना आए वो मैनुअल दोबारा से चेक कर सकते हैं कि वो कैसे जो ये टूल है इसको यूज़ कर सकते हैं और जिनको मैनुअल से पता नहीं चलता वो उनको वीडियो से ज़रूर पता चल जाएगा अब मैं आपको इसके जो यूज़ करने का मेथड है वो बताती हूँ आप लोगों ने इस तरह से करना है आप लोग फोर हेड पर इसे यूज़ कर सकते हैं इस तरह से आपने जो हेयर्स हैं उनकी अपोज़िट डायरेक्शन में जो है डिवाइस को रखना है और डिवाइस को आप लोगों ने धीरे से ओपन कर देना है और इस तरह से जो आपकी हेयर्स हैं वो रिमूव होते जाएंगे। आप लोग इसको फोर हेड पर यूज़ कर सकते हैं उसके अलावा जो आपके फेस पे फेशियल हेयर्स हैं उनको आप बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं अपर लिप्स से रिमूव कर सकते हैं बस ये है कि आपके जो आईब्रोज हैं उनको आप लोग इस आईब्रोज़ की जो शेप है वो आप लोग इससे नहीं ईज़िली कर सकते अब मैं आपको जो थ्रेड है वो निकालने का तरीका बताती हूँ इस तरह से आप लोगों ने बीट्स को निकालना है उसमें से दोनों हुक में से और हमारा जो थ्रेड है वो हूद बहुत रिमूव हो जाएगा इसके बाद जो है हम लोग न्यू थ्रेड लेंगे थ्रेड के जो अब दोनों साइड से वहाँ पर बीट्स लगे हुए हैं उन बीट्स को हम लोगों ने जो थ्रेड की डिवाइस की हुक से वहाँ पर हम लोगों ने इसको अच्छे से सेट करना है इस तरह से हमने फर्स्ट हुक में लेंगे इस तरह से थ्रेड को इस तरह से और फिर इसके बाद हम सामने वाली जो उसकी फ्रंट में होगी उसमें नहीं बल्कि अपोजिट जो हुक है उसको लेंगे उसके बाद जो एक हुक सेंटर में लगी है उसमें से निकालते हुए दूसरे में से हम लोग इस तरह से करेंगे इसके बाद हम लोगों ने जो थ्रेड है उसको राउंड 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 घुमाना है दूसरे जो थ्रेड है उसमें से और उसके बाद हम लोग करेंगे घुमाने के बाद हम लोग दूसरी जो हुक रह गई है हमारी उसमें हम लोग इसको सेट कर देंगे शुरू में आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा सेट करना इसको लेकिन जब आप लोग यूज़ करना शुरू हो जाएंगे तो बहुत इजीली ये आपका जो थ्रेड है वो उसमें सेट हो जाएगा इस तरह से जो थ्रेड है आपने इसको मैनेज कर लेना है और उसके बाद हम लोग इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा बताती चलूँ कि आप इसे परचेज़ कहाँ से कर सकते हैं ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से आपको ये इज़ीली मिल जाएगा मैंने दराज से बाई किया आप लोग अगर चाहें वहाँ से भी बाई कर सकते हैं या फिर कहीं और वेबसाइट से वहाँ से भी आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो जो है वो अच्छी जरूर लगी होगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आइकन जरूर हिट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम मेरी प्रोडक्ट के साथ दबे रहना अल्लाह हाफिज़ टेक केयर